पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में तेजी के कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हर दिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच भारतीय स्टेट बैंक के रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें 25 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। ये लहर 15 फरवरी से शुरू हुई है और तक चल सकती है। SBI की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और 23 मार्च तक के ट्रेंड को देखें तो मई तक करीब 25 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार को 24 घंटे में भारत में 59,118 केस दर्ज हुए और 257 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के कुल 1,18,46,652 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1,60,949 मौतें हो चुकी है। दूसरी तरफ देश में तेजी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम भी चल रहा है। अब तक देश भर में वैक्सीन की कुल 5.5 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। गुरुवार को 24 घंटे में कुल 23 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। कोरोना से देश में सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को 36,902 नए केस दर्ज हुए और 112 लोगों की मौत हुई। राज्य में तेजी से खराब हो रहे हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 28 मार्च से राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ रहा है। जिलों के हालात देखते हुए DM लॉकडाउन का आदेश दे सकते हैं। मुंबई शहर में इस वक्त 43 कंटेनमेंट जोन है और 497 बिल्डिंगों को सील किया गया है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।